अभी देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले वापस से मैं तुम्हें बता दूं कि जो जो भी लोग नए जुड़े हुए हैं उन्हें बता रहा हूं कि आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ज़रूरी है। वहाँ पर सारे क्वेश्चंस मैं वहीं पर डाल रहा हूँ, तो हर टॉपिक के डाल रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स मैंने पूरी कर दी, थर्मोडायनेमिक्स के मैंने 200-300 के करीब क्वेश्चन डाल चुका हूँ वहाँ पर। मैं अब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, यहीं से क्वेश्चन आएंगे ये भी मान के चलना। क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा सर? पहले का पेपर डालो तो पिछली बार पिछले साल के पेपर्स अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि पिछली बार पेपर इन्होंने वापस आंसर की दी नहीं थी। दूसरी बात, उससे पहले जो एग्ज़ाम्स हुए थे जितने भी, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये हुआ था। उसमें कोई अगर डालता भी है तो वो तुम्हें पागल बना रहा है क्योंकि उससे पहले के एग्ज़ाम्स में कभी केमिस्ट्री पूछी ही नहीं गई थी। केमिस्ट्री केवल अभी इस वाले में पूछी है और इससे पहले वाले एग्ज़ाम में पूछी थी हमारे वाले बैच के अंदर। तो आपको किसी पे विश्वास नहीं करना है कि जूनियर केमिस्ट एग्ज़ाम का कोई पेपर डाल रहा है। जूनियर केमिस्ट एग्ज़ाम का कोई पेपर नहीं है, कोई अवेलेबल पेपर नहीं होगा, पिछले साल का कोई पेपर नहीं, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था और ऑनलाइन एग्ज़ाम का पेपर अवेलेबल नहीं कराया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, कैसा पेपर आएगा वो खुद आपको 15 तारीख के दिन, 15 तारीख से मैं आपको सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करने लग जाऊंगा। सैंपल पेपर्स पेड होंगे, उसमें आपको ज़्यादा नहीं 50-60 रुपये या 100 रुपये तक का खर्चा होगा उसके अंदर। तो वो पेपर्स आपको ले लेने हैं, उसमें 10 पेपर मैं दूंगा, 10ों पेपर की तैयारी करनी है अच्छे से। आप ये मान के चलो कि एग्ज़ाम, जैसे ही आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरना बंद होंगे उसके 30 दिन या 45 दिन के अंदर अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा और बहुत ही त्वरित प्रक्रिया से आप देखना 3 महीने के अंदर पोस्टिंग भी आपको दे दी जाएगी। तो भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कौन कौन से पेपर, कौन कौन से क्वेश्चन के मतलब आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि आपको, आप अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग और बीएससी के अंदर जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं वो मेनली आपको पढ़ने हैं। बीएससी का सिलेबस आप लोग एमडीएस यूनिवर्सिटी का डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से केमिकल इंजीनियरिंग को मैच करके और आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर आपको ऐसा है कि नहीं समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे मैं टॉपिक्स पढ़ाता जाऊँ वैसे वैसे तैयारी करते रहो। अभी मैंने थर्मो पढ़ा दिया, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद में मेरा ये है कि केमिकल काइनेटिक्स लेने का है। केमिकल काइनेटिक्स मैं पहले फिजिकल इसलिए ले रहा हूँ ताकि फिजिकल जोश जोश में ख़त्म हो जाएगी और इसके क्वेश्चंस मेनली बैठेंगे। लगभग आप 30 से 40% क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन, 50% मान सकते हो, 50% क्वेश्चन आपको फिजिकल से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो शब्द है उसमें दो शब्द मेनली आते हैं आपके पास में, एक तो आता है इलेक्ट्रिक और एक आता है केमिकल, ठीक है। और आप दोनों को जान करके खुशी होगी कि दोनों ही इलेक्ट्रिक और केमिकल इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ये बात मेनली है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इलेक्ट्रिक और केमिकल एनर्जी का आपस में कन्वर्जन, ठीक है। ये कन्वर्जन जो होता है वो मेनली एक डिवाइस में होता है जिसे हम लोग नाम से जानते हैं, क्या? सेल। ये बच्चों सेल जो है वो मेनली दो तरह का हम लोग पढ़ते हैं। पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इसमें से सबसे पहले हम दोनों की बात करेंगे, डिफरेंस की बात करेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया मैंने, इधर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया, ठीक है। अब इनके डिफरेंस देखना शुरू करते हैं। डिफरेंस की अगर बात करोगे आप तो सबसे पहले इसमें ये हम लोग एनोड और इधर की तरफ कैथोड मानेंगे इसे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। यहाँ हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा एनोड, ये हम लोग बोलेंगे कैथोड, ठीक है। अब अगर आप बात करोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है, तो ये जो बैटरी है ना, ये नेगेटिव। बैटरी की बात करें तो बैटरी के अंदर क्या होता है, बैटरी में से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कैथोड की तरफ और कैथोड से फिर इलेक्ट्रॉन मूव होकर के किधर जाते हैं, एनोड की तरफ, और एनोड से बाहर निकलते हैं। इधर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो ऐसे होता है।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसे होता है? एनोड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वोल्ट मीटर से होते हुए कैथोड की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं कैथोड एनोड से, और यहाँ पे एनोड पे बाद में आते हैं, जनरेट होते हैं बैटरी से, पहली बात तो ये, ठीक है? यहाँ एनोड हो इस इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड होता है पॉजिटिव, जबकि यहाँ पे एनोड होता है नेगेटिव और कैथोड होता है पॉजिटिव, इसमें कैथोड होता है नेगेटिव। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैथोड होगा नेगेटिव, जबकि बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है इसलिए होगा कैथोड, एनोड यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे एनोड नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि एनोड से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, और जब जिस चीज़ से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं इसका मतलब वो रिच स्पीसीज है, इसीलिए इसे नेगेटिव टर्मिनल नोट किया जाता है, ठीक है? ये बात तो हुई इसकी, ठीक है? कुछ डिफरेंसेस आपको यहीं पता पड़ गए। अब मैंने इसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं है, लिखा इसलिए नहीं क्योंकि हमें निबंध नहीं लिखना है, ठीक है? हमें समझ में आना चाहिए। अगली बात, यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं इस जगह पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस, और इधर की तरफ कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। अब इसका मतलब समझो आप कि नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अस्वतः होती है, खुद ब खुद रिएक्शन नहीं होती, इसीलिए हमको क्या देना पड़ता है, एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स लगाना पड़ता है बैटरी के थ्रू। जबकि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होती मतलब खुद ब खुद होती, तो हमें बाहर से कोई बैटरी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं उनकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, जबकि यहाँ पे गिब्स एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये हम लोग थर्मो में पहले से ही पढ़ चुके हैं, इसीलिए यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अलग से। दूसरी बात, अगर आप यहाँ देखें तो पहले बैटरी लगाई है और फिर वहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हुई है, इसका मतलब यहाँ पे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी है और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। जबकि यहाँ की अगर बात करोगे तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और वोल्ट मीटर इनका वोल्टेज बता रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई है, किससे पैदा हुई है, केमिकल सब्सटेंसेस से। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे केमिकल एनर्जी जनरेटेड और कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आ गया ये वाली बात, ठीक है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। ये हुई बात हमारी इन दोनों के डिफरेंसेस की। अब हमको इनमें से क्या पढ़ना है? अच्छा, एक कुछ बात और, जैसे मान लो इनकी बात करेगी, ये एक ही कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है, जबकि अलग अलग कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है। इनमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो दोनों एनोड और कैथोड को जोड़ता है, जबकि यहाँ आपस में जोड़ने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज लगाया रहता है, ठीक है? ये भी कुछ डिफरेंसेज हैं, ठीक है ना? इनमें से हमें पढ़ना है कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे तो हमें बात करनी पड़ेगी इलेक्ट्रोलाइसिस की। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं, ठीक है? ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एक डायग्राम बनाया मैंने, जिसके अंदर हम लोगों ने अंदर की तरफ इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइट भरा है, एनोड की रोड, कैथोड की रोड। इसे मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लिखा क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल लिखा क्योंकि बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है? अब बेटा होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनमें आयन्स होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ठीक है? तो जो नेगेटिव आयन है वो एनोड की तरफ आकर्षित होंगे और पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की तरफ आकर्षित होंगे। इस आकर्षण की वजह से जो नेगेटिव आयन हमारे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जाते हैं, मतलब एनोड के ऊपर जाते हैं, और एनोड पर जाने पर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गिवन। और जो पॉजिटिव आयन कैथोड पर जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन टेकन। तो इलेक्ट्रॉन देना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन लेना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो कैथोड पर तो होता है रिडक्शन और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, समझ में आ गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इन आयन्स की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आयन्स में से इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसीलिए हम लोग इस तरह की विद्युत धारा के प्रवाह को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का मतलब क्या होगा कि आयंस की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की, कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह से होता है, उसको किस किस तरह से डिवाइड करके हम स्टडी कर सकते हैं। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस की स्टडी हम लोग दो तरह से करेंगे। एक तो करेंगे क्वांटिटेटिव, एक करेंगे हम लोग क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव स्टडी में हम लोग देखेंगे कि कितना आयन जा रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, तो क्वांटिटी की बात करेंगे, हाउ मच आयन लिबरेट, लिबरेट मतलब कितना आयन इकट्ठा हो रहा है। और क्वालिटेटिव की बात करेंगे तो हमारे पास दो केस बनेंगे। ये वैसे इसका मतलब ये होता है विच आयन लिबरेट, विच आयन लिबरेट कि कौन सा आयन जा रहा है। अब इसमें दो केस बन रहे हैं। पहला है व्हेन ओनली वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज प्रेजेंट, और दूसरा पढ़ेंगे व्हेन मोर देन वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज प्रेजेंट। अगर इसकी बात करें हम लोग व्हेन ओनली वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज प्रेजेंट, अगर इसकी बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, इसके अंदर मैंने डाल दिया पिघला हुआ NaCl, मोल्टन NaCl की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मोल्टन NaCl, पिघला हुआ NaCl, और विद्युत धारा प्रवाहित कर दी बैटरी लगा करके, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर ले लिया मैंने एनोड, इधर ले लिया मैंने कैथोड। तो क्या होने वाला है, नेगेटिव आयन तो पॉजिटिव पे जाएगा और पॉजिटिव आयन नेगेटिव पे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग NaCl का ही एग्जांपल रखें तो एट एनोड, एनोड पर क्या होने वाला है, जो Cl माइनस जा रहे हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के Cl बन जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रल Cl, तो अगर मैं दो Cl ले लूँ तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल करके Cl2 गैस बना लेंगे, नहीं बना लेंगे, तो ये तो होगा एनोड पे। अब एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, जो ये दो इलेक्ट्रॉन है, अब देखो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ चले गए, कैथोड पर क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन जो एनोड से आए हैं ये दो इलेक्ट्रॉनों को सोडियम प्लस आयन ले लेंगे और 2Na सॉलिड बना करके और इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा हो जाएंगे। अब यहाँ क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, 2Cl माइनस प्लस 2Na प्लस, 2Na सॉलिड जमा हो गए और Cl2 गैस बन गई। ये फाइनल इक्वेशन हो जाएगी तुम्हारी जब केवल एक ही तरह का पॉजिटिव आयन हो, एक ही तरफ का नेगेटिव आयन हो। ठीक है, अब बात करते हैं व्हेन मोर देन वन पॉजिटिव एंड मोर देन वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज प्रेजेंट। अगर इस तरह की कंडीशन में आप फंस जाओ, जब एक से ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हो, तो आपको जो टूल काम में लेना है वो टूल आप काम में लोगे डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज। क्या काम में लोगे, डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज। ठीक है, डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज टूल आपको काम में लेना है। इस डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज में दो तरह के आयन्स होंगे, कैटायन के अलग पोटेंशियल सीरीज होगी और एनायन के अलग पोटेंशियल सीरीज होगी। तो जो कैटायन की सीरीज है वो आपको याद रखनी है, काना का मग आलू जीते हाइड्रोजन क्यों आगे आऊं, ये तो है कैटायन की सीरीज। अब बात करते हैं एनायन की सीरीज की। एनायन की सीरीज है एफ माइनस, फिर SO4-2, NO3-, OH- Cl- Br- I-, ये है एनायन की सीरीज। इसमें बेटा खास बात ये है कि जो पहले आएगा वो बाद में जाएगा, ये बात हो गई इंपॉर्टेंट, जो पहले आएगा वो बाद में जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन।
एक्वस NaCl सॉल्यूशन है मरकरी इलेक्ट्रोड पे। मरकरी एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है ना, ओ सॉरी, मरकरी एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है। और दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्वस NaCl सॉल्यूशन विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब ये एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड में क्या फ़र्क होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके ऊपर, खुद के ऊपर कोई रिएक्शन, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, खुद के ऊपर रिएक्शन हो सकती है। पर अगर हम लोग बात करें कि एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होता है जो खुद भी रिएक्शन में पार्ट लेता है। इसमें सबसे पहले मैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वाला पोर्शन ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ क्या होगा, NaCl जब टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस बनेगा, और पानी में ऑलरेडी H प्लस OH माइनस है। अब यहाँ मोर देन वन पॉजिटिव मोर देन वन नेगेटिव चार्जेस आ गए। अब होगा क्या, किस तरह से इलेक्ट्रॉन पहले कौन जाएगा, तो इसमें याद रखना यहाँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट अब इसको समझा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे अपने डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज काम आएगी। डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज, पॉजिटिव की डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज क्या कहता है, वो कहती है काना का मग आलू जीते हाइड्रोजन क्यों आगे आऊं। ठीक है, अब यहाँ देखो अपने पास दो पॉजिटिव चार्ज है, Na प्लस और H प्लस। अब Na प्लस H प्लस है, तो मैंने बोला है जो पहले आएगा वो बाद में जाएगा, तो Na प्लस बाद में जाएगा तो H प्लस पहले जाएगा। इसका मतलब H प्लस एनोड पर जाएगा, ठीक, सॉरी H प्लस कैथोड पे जाएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं नेगेटिव आयंस की। तो Cl माइनस और OH माइनस में से डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज में पहले कौन आता है, पहले आता है OH माइनस। इसका मतलब पहले कौन जाएगा, Cl माइनस किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। तो एनोड पे Cl माइनस जा करके Cl2 गैस बनाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, दो Cl माइनस। और जो कैथोड पर होगा, कैथोड पे क्या होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन प्लस ले लेंगे और बन जाएगी H2 गैस। तो अब आपके पास में क्या हुआ, क्या क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गई और Cl2 गैस बन गई। ठीक है, और जो आपका कंटेनर है उसके अंदर बचा क्या, जब H प्लस चला गया Cl माइनस चला गया तो बचा क्या, NaOH। तो ये NaOH का निर्माण हो गया। ये NaOH का निर्माण करने की विधि है, इसे बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रक्रम। क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रक्रम। समझ में आ गया होगा क्लोर एल्कली प्रक्रम क्या है। ठीक है, अब सेकंड है NaCl एक्वस एट मरकरी इलेक्ट्रोड। मरकरी इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, तो मरकरी इलेक्ट्रोड पे सिंपल है, बस इसमें एक चीज़ याद रखना, एच प्लस नहीं जाता और एन ए प्लस जाता है, क्योंकि आपको पता है सोडियम मरकरी के लिए ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये सोडियम अमलगम का फॉर्मेशन कर लेता है। ये बात हमने को याद रखनी है, बाकी वही क्लोरीन गैस बनेगी बनेगी हमारे पास में। ठीक है, बस सोडियम मरकरी आपस में रिएक्ट करके और मरकरी अमलगम बनाते हैं। ठीक है, ये बात हमारे पास इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इस वाले में क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन का इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस करना है आज, CuSO4 का कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर करना है, कॉपर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, CuBr2 एक्वस सॉल्यूशन का, ये CuSO4 भी एक्वस है, ठीक है, इसका करना है, CuBr2 एक्वस सॉल्यूशन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। ओके, और इन सबको करके और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, जो लास्ट तक ये चीज़ देखेगा वो ये ज़रूर करेगा। अगर आप लोग ये करोगे तभी फिर आगे देखो, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फेराडेज लो वगैरह की। ठीक है, वो हम लोग बात करेंगे कल, और मोस्ट प्रोबेबली परसों या परसों के दिन हम लोग इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है।